अररिया के एक टीचर एमवी साजिद करीम की कहानी है ये, उन सभी प्राइवेट टीचर्स की जो एक एवरेज या उससे भी बिलो स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां उन्हें 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। अभी स्कूल बंद है जिसके कारण उनका 3 माह का वेतन नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, यह एक विशाल चुनौती है। सरकार लगभग हर तरह के रोजगार को खोलने का प्रयास कर रही है, परंतु स्कूल और कोचिंगों को नहीं। आखिर ऐसा क्यों? यदि सरकार स्कूल नहीं खोलना चाहती है तो कम से कम इनकी मदद करें, वरना इनकी ज़िंदगी गरीब और मजदूरों से बदतर हो जाएगी। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से हामिद आरजू की रिपोर्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से बस ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को बारंबार बढ़ाया जा रहा है, लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके रुकने का कोई नाम नहीं। चलिए ठीक है, इस लॉकडाउन में हर चीज को खोलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, हर चीज को। राशन की दुकान खुली हुई है, मेडिसिन की दुकान खुली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली हुई है, किताबों की दुकान खुली हुई है, थोड़े बहुत कपड़ों की दुकान भी खुल रही है, गैरेज खुले हुए हैं, हार्डवेयर की दुकान खुली हुई है सर। पर अगर नहीं खोलने का प्रयास किया जा रहा है तो वह प्राइवेट स्कूलों को और कोचिंगों को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 महीने से हम टीचरों का जो पेमेंट नहीं हुआ है, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, एक एवरेज उससे भी बिलो। आप सोचिए 5-6 हज़ार तनख्वाह मिलता है हम लोगों को, 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, क्या दुर्दशा होती होगी हम लोगों की। सरकार इसके बारे में कभी सोचने का प्रयास नहीं करती। सरकार क्या सोच रही है, क्या समझती है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 3 महीने से जो हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, हम लोग कैसे जिएंगे? अरे किससे कर्ज लेंगे? सरकार ही बताए किससे कर्ज लेंगे। सरकार को लगता है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि बाजारों में कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? आप देखिए ना, बाजारों में कौन सा पालन हो रहा है भाई? सब जगह सबकी दुकानें खुल जाएं लेकिन प्राइवेट स्कूल ना खोले। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी शर्त हैं उन्हें लागू करने हैं, करें, पर प्राइवेट स्कूल को अवश्य खोलें, वरना हम टीचरों की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई कर्ज भी देगा, क्योंकि उनके पास खुद नहीं है, अब मांगने में भी शर्म आती है, कर्ज कहां से लाएं। और यदि सरकार स्कूल खोलना नहीं चाहती है, अभी मूड में नहीं है, तो जल्द से जल्द वो हम प्राइवेट स्कूलों के, हम लोग प्राइवेट टीचर जितने भी हैं, हम लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं, वरना बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी हमारी। और मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूं कि प्लीज़ हमारे इस संदेश को, इस मैसेज को आप सरकार तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।